300 रुपया इसका किलो आता है। बीस रुपया कम की करो ना। कितना लेगा? कोई तो अभी मैं हूँ दिमापुर सुपरमार्केट के अंदर। तो जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को दिमापुर के अंदर कुछ अनकॉमन मीट वगैरह और कुछ एनिमल्स वगैरह का सेल होता है। तो यहाँ के लोगों का कल्चर, यहाँ के लोग ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो चलिए मार्केट के अंदर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलते हैं। हेलो अंकल, कैसा है? ये दो दो पीस करके है क्या? एक ले सकता है? तीन में भी, दोनों में भी 100। कमती नहीं होगा? बीस रुपया कमती करो ना। कितना लेगा? मैं बहुत दूर से आया लेगा? दिमापुर देखने के लिए, दिमापुर का डिस्काउंट तो मिलना चाहिए ना। ले लो, 1990 में ले लो। नहीं, दो पीस चाहिए बस। ये दोनों दे दो। ये खुला तो ख़त्म हो गया है आपके पास? एक पेप्सी दे देना और एक एक पावर दे दो। ये कितना लिया आप? 30, 30, 60 + 20। इसका 1.5 रियाल लिया, तो 1.5 रियाल मतलब 40 रुपीस। और पेप्सी जो हम लोग सऊदी में पीते थे 150 हलाला का, वो भी यहाँ पर 30 रुपीज़ है। तो सेम प्राइस है ये। तो ये है दिमापुर का फिश मार्केट। यहाँ पर मच्छी कितना सस्ता है वो देखा जाएगा अभी। अरे बाप रे बाप, ये क्या है? सांप नहीं है यार ये। कितना है? 220। 200 ले लो भैया, थोड़ा बना लीजिएगा। रुपा चमका था, रुपा चमड़ी अंक ही जाए। ₹300 इसका किलो आता है। हाँ,
आएगा आएगा। चिकन कौन सा कौन सा है? अरे मसाले कितना होता है? 220 क्यों जरा बोल दे जरा। समान है मामा। ठीक है। ऐसे ऐसे कहना तो। 220 रियली रियली कितना है? 100 है। अच्छा चलो स्ट्रॉबेरी लगा दो सब लोग। स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी तीन ना। हाँ अभी क्या क्या है? एक मैंगो एक मैंगो। आज शाम के लगभग 4 बजे से दिमापुर का सुपरमार्केट की तरफ घूम रहा था, तो आज के कैसा लगा आप लोग को आज का ये वीडियो में कमेंट में बता देना, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आजकल मेरा चैनल पर व्यू काफ़ी कम आ रहा है और आप लोगों के लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो और भी अच्छा अच्छा वीडियो आएगा। GoPro में शाम को तो वीडियो अच्छा क्लियरिटी नहीं दिखाई देता, इसलिए आज का इस वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। कल मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा दिमापुर का मार्केट में, फंकर मार्केट में काफ़ी कपड़ा वगैरह बहुत सस्ता मिलता है। अगर आप लोग दिमापुर पर आ रहे हो तो शॉपिंग करके जाना, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें सस्ता मिलता है गुवाहाटी और सिलचर के कंपेरिजन में। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा महंगा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में कल आप लोगों को मैं बताऊँगा क्या कैसा सिस्टम है। आज मैं बता नहीं पाया, दूसरा वीडियो बनाने में बिजी हो गया, तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।